मुझे कांग्रेस वालों ने नीचे पटक दिया, मंत्रियों ने। अब मुझे दो चार का तो पता है, दो एक लात तो मुझे धारीवाल ने मारी। मुझे महेश जोशी ने भी मारा, धारीवाल जी ने, और मंत्री थे सारे के सारे मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे लात गुस्से से वो मारने लगे, मेरे से वो डायरी छीन ली उन्होंने। मुझे उन्होंने घेंस के हाउस से, मार्शलों ने नहीं निकाला था मुझे, भाजपा कांग्रेस के लोगों ने, जो जिनकी मैंने सरकार पिछले 2008 में भी उनकी सरकार बनाने में उनको 6 महीने दिए थे, मुझे कह रहे माफी मांगो। मैंने कौन सा पाप कर दिया? मेरा जिस तरीके से इन्होंने मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त किया, उस पर मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और मैं वो लाल डायरी टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष जी को, और वो मुझे समय नहीं दे रहे था। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मंत्री के रूप में हट गया, मैं विधायक के रूप में मेरा बोलने का अधिकार है और आपका मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आप इस हाउस में मुझे बोलने की इजाज़त दें। तो उन्होंने मुझे समय नहीं दिया, बीच के अंदर धारीवाल जी को उन्होंने बोलने के लिए कह दिया। तो मैंने धारीवाल जी को कहा साहब मेरे मुझे वक्तव्य देने दो, आप बीच में मत बोलो। इतनी देर के अंदर धारीवाल ने मुझे धक्का दिया, फिर कांग्रेस के मंत्री सारे मेरे ऊपर टूट के पड़ गए, विधायक पड़ गए, और मेरे हाथ से जो डायरी थी उस डायरी का पार्ट एक था वो छीन ले गए, मेरा भी मेरे, तो वो सारा वो छीन के ले गए मेरे से, और फिर मुझे कांग्रेस वालों ने नीचे पटक दिया, मंत्रियों ने। अब मुझे दो चार का तो पता है, दो एक लात तो मुझे धारीवाल ने मारी, फिर एक मुझे महेश जोशी ने भी मारा, धारीवाल जी ने, और मंत्री थे सारे के सारे मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे लात गुस्से से वो मारने लगे, मेरे से वो डायरी छीन ली उन्होंने। छीनने के बाद में मुझे उन्होंने घेंस के हाउस से, मार्शलों ने नहीं निकाला था मुझे, भाजपा कांग्रेस के लोगों ने, जो जिनकी मैंने सरकार पिछले 2008 में भी उनकी सरकार बनाने में उनको 6 महीने दिए थे, मुझे कह रहे माफी मांगो। मैंने कौन सा पाप कर दिया? किसके इशारे पे ये सब कुछ चीजें हो रही है, मारपीट आपके साथ जो हुआ, ये किसके इशारे पे? अभी ये तो आप भी जान सकते हो कि मैं किसके, मैं डायरी रख रहा था। मुझे रात को भी तरह तरह से फोन करके मुझे कहा गया कि तुम विधानसभा मत जाओ, जाओ तो बोलो मत और हाउस में जाके मत बोलना, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, तरह तरह की बातें। कुछ लोग समझाइश कर रहे थे, कुछ लोग धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सारे पर हो रहा है, सारा का सारा डायरी कहाँ है? छीन लिए डायरी का एक पार्ट, मेरे से छीन लिया, अंदर लेके गया था, छीन लिया। और अब इसके बाद भी कुछ डायरी आपके पास है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है? कुछ है मेरे पास। वैसे विधानसभा आप किन बातों को रखना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? मैं हमारे राजस्थान के अंदर रोज माता और बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके ऊपर जब हमारी बहन बेटियों ने मुझे चुनाव जिताने के लिए भेजा, राजेंद्र गुड्डा किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, बसपा के तो 2013 में मात्र 1100 वोट आए थे, मैं मेरे दम से 3 बार हम चुनाव जीत के आए हैं, तो इसमें मैं मेरी बात जनता ने मुझे इसलिए थोड़ी भेजा था हाउस के अंदर कि हम जाके उनके लिए चुप बैठ जाएं। मंत्री बनने के बाद कभी मंत्रिमंडल में भी मैंने भी अपनी बातें रखी हैं कि ये गलत हो रहा है, राजस्थान बदनाम हो गया है, प्रदेश के अंदर माताओं बहनों के साथ ठीक नहीं हो रहा, हमारे लोग उनको जो बलात्कारियों को हमारे लोग मदद कर रहे हैं, दुष्कर्मियों की हमारे लोग मदद कर रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर ये वही जो सारे के सारे लोग आज कांग्रेस के अंदर बैठे हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं अजमेर।